प्राइम टाइम और आज हम प्राइम टाइम में बात कर रहे हैं सियासी सीनाजोरी की, यानी कि ये जो कुछ भी फैसले सरकार के द्वारा लिए गए हैं उस पर CWC की जो बैठक हुई है उसमें मोहर लगा दी गई है। ये हम कह सकते हैं कांग्रेस भी अब इस बात को स्वीकार रही है कि जो कड़े फैसले लिए गए हैं वो देश हित में है, लेकिन विपक्ष के ऊपर भी एक आरोप सोनिया गांधी ने लगाया है और उन्होंने ये कहा है कि विपक्ष नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। तो आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं, चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग जी आपके पास आता हूं, सियासी सीनाजोरी की हम बात कर रहे हैं, जो भी कुछ पिछले दिनों हुआ है या जो भी कुछ फैसले लिए गए हैं उसके बाद जिस तरीके का रुख सरकार का देखने को मिला है, आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, सियासी सीनाजोरी है ये? देखिए, इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों बहुत ज्यादा जो है ध्यान जो है स्कैम्स के ऊपर इधर उधर चला गया था, तो ये चीज रूल आउट नहीं की जा सकती कि उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, जैसा कि शर्मा जी ने बोला कि ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये डिसीजंस लिए गए, लेकिन ये डिसीजंस लेना पेंडिंग था, बहुत दिनों से इनकी बातचीत चल रही थी। अगर ये बात सच है कि ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये डिसीजंस लिए गए, तो मैं कहूँगा कि सरकार को अपने थिंक टैंक में या जो जो एडवाइजरी है उसमें थोड़ा सा कुछ जो है रिवैम्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक बुराई को कवर अप करने के लिए दूसरी बड़ी बुराई कर दें, ये जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा, नुकसानदायक है, देश के लिए भी नुकसानदायक है। चलिए विनीत जी आपके पास आ रहा हूं, ML शर्मा जी भी थोड़ी देर पहले मनमोहन सिंह की बात कर रहे थे कि उनके ही जब वो मंत्रालय उनके पास था तब कोल ब्लॉक के आवंटन किए गए, मनमोहन जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप लोग कहते हैं मनमोहन जी बड़े ईमानदार आदमी हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, जहां तक मनमोहन सिंह जी की ईमानदारी का सवाल है, मैं ही नहीं, पूरा विश्व इस बात के लिए बोलता है और कहता है, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उनकी ईमानदारी पर कोई उंगली उठा सके, इस बात को तो खैर सभी जानते हैं जी। और जो बात अभी अनुराग जी बोल रहे थे कि ध्यान हटाने की या इस तरह की जो बात बोल रहे थे, तो मैं ये कहना चाहूँगा इस पे कि ये आज की ज़रूरत थी और देश हित में भी यही था कि जो भी बात अभी निकल के आ रही है, कड़े मन से या दुखी मन से अगर कोई फैसले लिए जाते हैं, चाहे वो डीजल के ऊपर फैसला हो या कोई और भी फैसला हो, तो देश हित में है, क्योंकि सभी जानते हैं कि आज इस देश में 2,00,000 करोड़ की जो सब्सिडी है वो जा रही थी, सीधा सीधा ऑयल सब्सिडी दी जा रही थी, और सभी जानते हैं 2,00,000 करोड़ तो हमारे देश का जो अपना एजुकेशन का जो बजट है उससे भी कहीं ज्यादा है। दिए 2,00,000 करोड़ रुपए, एक चीज, आज बिजली कंपनी को 2,00,000 करोड़ रुपए दिए, आज 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 के बाद दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, इसमें कहीं को दोहराई दिए जा रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज को क्यों बोल रहे हैं कि लगातार 2,00,000 करोड़ का जो घाटा हो रहा था उससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा था, और इसके अलावा मैं आपको दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं दिया? विपक्ष को कॉन्फिडेंस की आप बात क्या करिए, देश इतने जो सवाल है उसमें विपक्षी कॉन्फिडेंस की जो आप बात कर रहे हैं, विपक्ष को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिया? आप सुन लीजिए मेरी बात, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस मेरे पास है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस क्या है, ये देख लीजिए, मैं आपको इसका डॉलर्स में बता रहा हूँ, क्योंकि यूएस में आज की डेट में 1.14 डॉलर प्राइस यूएस में है, और जबकि इंडिया में जो प्राइस है 0.82 डॉलर है, इसके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में 1.58 डॉलर है। उनकी जीडीपी इनकम कितनी, आपकी इनकम कितनी है, अपनी बात करिए ना, कि हमारे यहाँ सब्सिडी इतनी दी जाती है, सुन लीजिए, और आपके जो शासित प्रदेशों में जो ऑयल का प्राइस है वो भी सुन लीजिए, हमारे जो दिल्ली में आप प्राइस देखते हो 46.95 रुपए डीजल का प्राइस है, जबकि मैं यूपी में आ जाऊँ, सबसे बराबर भी यूपी पड़ रहा है, 49.91 रुपए डीजल का प्राइस है, सर टैक्सी है, और नहीं आप सब्सिडी दीजिए ना, फिर क्यों सरकार सब्सिडी दे रही है आपको, आप सरकार से सब्सिडी की मांग करते हैं, लेकिन जब अपने प्रदेश के खजाने की बात करते हैं उसको बढ़ाने की बात करते हैं, जहां तक जो सीधे से डीजल, विनीत जी मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है, मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है आपकी, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार, डीजल उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार, वो भी कांग्रेस शासित प्रदेश हरियाणा में जो डीजल का प्राइस है वो 45.40 रुपए है, और जबकि दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों की बात मैं करूं तो गुजरात में 52.16 रुपए डीजल का प्राइस है सबसे अधिक, और भोपाल में 51.87 रुपए डीजल का प्राइस है। मैं बात ये इसलिए यूपी की कर गया क्योंकि यूपी नोएडा जो है मेरे आना जाना लगा रहता है, बिल्कुल साथ साथ पढ़ते हैं, तो जो 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, और कुछ ही दिनों पहले मैं टीवी पे सुन रहा था, रामगोपाल यादव जी बोल रहे थे आज 3 या 4 दिन पहले टीवी पर ही मैं सुन रहा था कि मुलायम सिंह देश के सबसे बड़े किसान नेता है, लेकिन उसी किसान नेता के बेटे के राज्य में जो आगे मुख्यमंत्री है वहां पे किसान जो कि सबसे डीजल को इस्तेमाल करता है वहां लगभग 5 रुपए का डिफरेंस है, और यदि मैं उसको कंपेयर करता हूं हरियाणा से 6-7 रुपए का डिफरेंस है। आप दोनों मेरे को एक बात बताएंगे, 92 में डीजल की प्राइस 6 रुपए लीटर थी, 92 के बाद में इस देश में 92 से पहले आज मैं इंदिरा गांधी को कहना चाहूंगा, वो एक ऐसी लेडी थी जिसने इस देश के अंदर कार को आना मना कर दिया, कार का प्रोडक्शन मना किया नए कारों का, और 90
74 में उनकी जो नीति थी उससे इस देश के ऊपर कोई कर्जा नहीं था, लेकिन आज 2006 के बाद इस देश के ऊपर जो कर्जा आया है ये इस देश की नीति है विदेशियों को सपोर्ट करने के लिए और हमें गुलाम बनाने के लिए। 89 के बाद से लेकर आज तक इस कंट्री के अंदर 1 करोड़ कार आ चुकी है, हर साल 20 लाख कार आ रही है। क्यों आप बढ़ावा दे रहे हैं कारों को, क्यों आप एक्स्ट्रा पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, 60 मिलियन टन से बढ़कर के आज आप क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं, 156 मिलियन टन क्रूड। आज आप कार खत्म कर दें तो ये डीजल हमें 6 रुपए लीटर ही मिलता, आज हमारी रुपी की वैल्यू खत्म हो चुकी है, आज रुपी की वैल्यू डॉलर का गेन 54 रुपीज है। और सुनिए 92 की छोड़ दीजिए, 2006 में गोल्ड जो था, गोल्ड का रेट मात्र 5,000 रुपए पर 10 ग्राम था, आज गोल्ड 33,000 रुपीज 10 ग्राम है। साल भर बार रुपया फेल हो रहा है इसलिए कि आप विदेशियों को बुला रहे हैं, वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए आते हो, यहां से 80 लाख रुपए हर साल लेके जाते हैं। कैन यू कंट्रोल देम? नॉट एट ऑल। एफडीआई इज नथिंग एक्सेप्ट द किलिंग ऑफ द पर्सन। एफडीआई इसलिए लाया गया कि आम आदमी मारा जाए, भूल जाए कि कितना करप्शन हमारे कोल ग्रेट में हुआ है। और ये सिर्फ उस दिन हुआ, अगर 14 तारीख को, ये मेरी गारंटी है मैं कहता हूं, अगर 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू नहीं किया होता, 100% एफडीआई का इश्यू शाम को 6 बजे डिक्लेयर नहीं होता। चलिए विनीत जी की एक बात तो जवाब देना चाहूंगा। विनीत जी ने अभी जो आंकड़े पेश किए कौन से राज्य में क्या है, थोड़ा सा मुझे दुख हो रहा है ये आंकड़े देख के भी। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि हर स्टेट में एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो बेरिंग कॉस्ट होती है वो डिफरेंट होती है, पहला। दूसरा, आप बात कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ये प्राइसिंग है, 76% टैक्सेस हैं, इंक्लूडिंग एक्साइज, इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी, इंक्लूडिंग सेल टैक्स, एवरीथिंग। अगर आपको ज्यादा ही वो हो रहा है, आपको जनता की चिंता थी, अपना एक्साइज कम करिए ना, अपना इंपोर्ट ड्यूटी कम करिए ना, क्यों नहीं करते? दूसरी चीज, आपसे मुद्दे से राज्यों के अधिकार है तो राज्य की ड्यूटी भी है, अधिकारों के साथ ड्यूटी भी है, राज्यों के अधिकार है, सभी राज्यों के। किसने बढ़ाया? किस राज्य ने बढ़ाया? कौन लेके आया? कौन लेके आया? किसने बढ़ाया? कौन से राज्य में? मनमोहन सिंह ने बढ़ाया, यूपीए सरकार ने बढ़ाया। बोल रहे हैं, मैं आपको आंकड़े बता नहीं सकते, आंकड़े देख लीजिए। 5 में बढ़ाया एनडीए के शासन काल में 170% जो डीजल के ऊपर प्राइस हाइक हुआ था, सभी जानते इस बात को। अभी भी डीजल पे जो ये आंकड़े आप झुठला नहीं सकते, अभी तक कैसे झुठला सकते हैं आप? फैक्ट्स पे बात करिए, आप बिना फैक्ट्स के बात करें, बिना उसकी बात करें, मैं देखिए कह सकता। यूपीए के शासन काल में अभी तक 22% डीजल के ऊपर प्राइस हाइक हुआ है। छोटा सा सवाल मैं रिपीट करना चाहूंगा आप तीनों से, बड़ी नम्रता के साथ में। डीजल का कोई भी रेट हो, कोयला आम आदमी को तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता, फिर कोयला इन इंडस्ट्रियलिस्टों को और एमपीओ नेताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट खदान के खदान क्यों दी गई? फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपया भी नहीं लिया। विनीत जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जो हमारे हमारे जो देश की व्यवस्था है, ये लोक कल्याणकारी राज्य है बेसिकली हमारा। अगर सब्सिडी एक लोक कल्याणकारी राज्य का एक 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 बहुत ही जरूरी, उसको कह सकते हैं कि जो चीज जहां से देश का विकास हो सके, आम आदमी को सस्ती चीजें और एक आम आदमी के जीवन को जो चीज अच्छा बना सके, वहां पे सरकार सब्सिडी देती है। ये हमारे लोक कल्याणकारी राज्य की एक मूलभूत सिद्धांत है। आप सब्सिडी को नकार नहीं सकते। अगर सब्सिडी को यह सरकार आज कहती है कि हम जी सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं, तो साथ में यह भी बोलना पड़ेगा कि लोक कल्याणकारी राज्य का जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम उससे भी अलग हट रहे हैं। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं अनुराग जी, जो आपने बोला है, मैं यही बात कह रहा था। मैंने यही बात बोली कि जब सरकार सब्सिडी दे सकती है तो राज्य सरकार कटौती क्यों नहीं कर सकती, यही बात मैंने कही थी, और कुछ नहीं। चलिए चलिए, जो राज्य जी हम सब विपक्ष को विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया ये सब रीजन करने के लिए। हरीश खुराना जी, माफी चाहूंगा, आप सभी से माफी चाहूंगा, समय की हमारे पास कमी है। ये देश ही डिसाइड कर देगा और देश की जनता डिसाइड कर देगी कि आखिर ये जो नीतियां हैं, ये जो पॉलिसियां हैं, क्या ये सही है या गलत है। अपने चारों मेहमान का बगल में छुरी जो चलिए चलिए धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये जनता के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि आखिर जो सरकार के द्वारा नीतियां निर्धारित करी जा रही है वो कितना हित में है, इसका जवाब अब जनता उनको आने वाले चुनावों में ही देगी। तो आज के प्राइम टाइम में इतना ही, कल होंगे फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद।